हो मीम्स, देखते हैं आज अपने पास क्या मीम्स है। बिग शाउट आउट टू मीम पुस्तक। बुड्ढी रो रही है, क्या हो गया? ऐसे क्यों बैठी है, कोई परेशानी है क्या? क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खा रही है बेटा, भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। शाबाश कहने जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वहाँ देखो, वहाँ बेकरी है, जाकर खरीद लो आंटी। भाई ये मेरे नकल्स टूटने की आवाज थी भाई, फनी था। अच्छा आप ये बता सकती हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 4 महीने। 7 करोड़। 7 करोड़। इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? जो अनपढ़ होता है उनको भी मालूम रहता है। वो भी लड़की अब बाइक चलाने के बारे में सोच रही है। प्लीज गो फॉर इट। ये तो सरोनी लग रही है। देयर इज नो सेकंड थॉट फॉर यू गर्ल्स, इट गिव्स यू मोर पावर इन लाइफ। एंड हमने ना बाइकिंग को बहुत ज्यादा जेंडरलाइज कर दिया है। इट शुड नॉट बी। अगर मैं इस बाइक को स्टार्ट करती हूँ, ये स्टार्ट हो जाती है। ये मुझसे जेंडर नहीं पूछती है। ऑफ कोर्स गो फॉर इट। Don't tell me, ये गिरने वाली है। No comments. देखो कुछ बाइक्स होती है जिसके लिए एक बॉडी चाहिए। ओके ये बाइक तो कुछ लड़के भी ना चला पाए भाई। थिंक इज की यार, अगर इतनी बड़ी बाइक हो ना तो आपको उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। कभी यहाँ का वहाँ का थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया तो ऐसा होना चाहिए कि एक पैर नीचे रखो भाई, आ जाए कंट्रोल में। 21 सितंबर 2022 वेनसडे। ओके हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं न्यू फोन लेने के लिए। न्यू फोन लॉन्च हुआ है ना, आईफोन 14 प्रो मैक्स। अरे सौरव भाई, कार लेके चलते हैं अपनी मस्त। सौरव भाई गए आईफोन 14 प्रो मैक्स। अच्छा यूजर कुनाली को घर छोड़ दिया था हमने, ये तो वो भी साथ में होते हैं हमारे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अच्छा अच्छा उसने बोला, अच्छा वो अपने पीयूष और कुनाली को घर छोड़ दिया, वरना वो भी होते। ये तो वही हो गया, एसीपी प्रद्युमन बोलता है ना, सर मुझे फोन आ रहा है, इसका मतलब समझे दया, इसको कोई फोन कर रहा है। के साथ अगर डेट पे जाने को मिले, ये बिल्ली है ना, बिल्ली आई लेगा, मतलब घूमने जाने मिलेगा तो जाओगे? नहीं जाएंगे। गायको? बहुत बड़ी गायिका है सिंगर। भले से गायिका रहे चाहे जो भी रहे। ये श्रद्धा कपूर है। ओके। इसको अगर इसके यार डेट पे जाने का मौका मिला, मतलब घूमने जाने का मौका मिला तो जाओगे? नहीं यार, किधर जाएंगे, अपने वाइफ के साथ जाएंगे, उनके साथ क्यों जाएंगे? ये है असल मर्द। लो चाहे आप पोहा लो, मतलब आप खड़े अगर बात कर गए तो आपको कचौड़ी भी नहीं मिल पाएगी, खत्म हो जाएगी। ये इतना फेमस है और इनका स्वादिष्ट इतनी बेहतरीन है कि मत पूछो। मेरा बचपना यहीं से है और मैं बचपन से इनकी कचौड़ी खा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो, अभी तक वो दुकान डेवलप नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही है। बचपन से अगर चला रहा है कचौड़ी का दुकान, अभी तक तो कांच के दरवाजे लग जाने चाहिए भाई। धंधा करो तो बड़ा करो। परसोत्तम भाई 25-26 साल। अच्छा 25-26 साल से दुकान चालू है। अंकल आपकी उम्र क्या है? बहुत झूठा मक्कार आदमी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। It feels balanced. Are you a warrior? Yes. I worry about like everything. Women. अरे ससुर जी, अगर तुम मुझे बता देते ना कि तुम्हारी लड़की के ये हाल हैं, तो तुम्हारी लड़की से मैं शादी नहीं करता और तुम्हारे पिछवाड़े पे 4 डंडे मैं अलग से मारता। अरे पुनीत भाई, अरे वो वॉरियर, उसको वॉरियर पूछा, उसको लगा वॉरियर। हाँ आई वॉरियर लॉट। अरे मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। सही बता रहा हूँ मैं बुढ़े, एक बार बता ऐसी लड़की पैदा करने की जरूरत क्या? अरे टेलर स्विफ्ट बेचारी, माफ कर दो बच्ची को। देशद्रोही? अरे भाई मैं तो देशभक्त हूँ, किसान हूँ। ओके गेहूं और चावल के साथ साथ चरस और गांजा भी उगाता हूँ, जिसे बेचकर फॉरेन करेंसी लाता हूँ। पक्का बॉयज मी में। मैं तो अपनी भारत माता को सोने के पंख लगा रहा हूँ। यही यही ना। सच्चा देश पर। भाई अमरीश पुरी को भाई इतने खतरनाक डायलॉग्स कैसे मिलते थे? यही यही ना। देख रहे हो भाई वजन, देख रहे हो डायलॉग में, आजकल पता नहीं डायलॉग में वजन नहीं होते यार, छोटी बच्ची हो क्या? मतलब एक वक्त था
तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुद एक फुल फॉर्म है ना, बीएससी का फुल फॉर्म है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही फुल फॉर्म है बीएससी। हाँ हाँ वुमेन ये क्या स्मार्ट बनने गई थी क्या, उसको ट्रिक करने गई थी या खुद ने गलती कर दी? पागल औरत, मान लो तूने किसी लड़की प्रपोज कर दिया, उसने मना कर दिया, दूसरे को करो तीसरे को चौथे को छठा सातवां आठवां नौ करते रहो, करने मेरा प्यार इस लड़की के लिए है, पागल हो, पूरी दुनिया को बांटो, पागल बनवा वाले काम मत करना लाइफ में। ये होते हैं चैट सर, लड़की बस और ट्रेन वापस आ जाएगी भैया, करियर वापस नहीं आएगा, और करियर पे ध्यान दो। काफी सीरियस है। वैसे सदमा लगा कैसे? क्या हो गया? अच्छा सदमा लगा। पद्मा को सदमा सफेद बालों की वजह से लगा है। पद्मा को सदमा? बताइए ना डॉक्टर। एक ऐसा राज बताना होगा जिसे सुन के इन्हें और बड़ा सदमा लगे। ओके। वरना डॉक्टर सदमा पद्मा, उस दिन मैं तुम्हारी छोटी बहन के कमरे में गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के गया था। अरे सासू मां सदमे में चली जाएगी, एक बार है कि दूसरी चली जाएगी। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he? Who is he? अरे खंजर की शक्ल के। मैं कहाँ से आ रहा हूँ? अच्छा लिए इनको कि आपका ड्रेस गंदा है, जाकर धो। इसको इंग्लिश में बोलिए, बोलिए तो। इंग्लिश में क्यों बोलना, मैं तो जानते नहीं हूँ। ये दीदी क्यों अपनी बेइज्जती करवा दी स्कूल्स के बाहर जाके? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई, कहाँ इंग्लिश में क्यों बोलना है, मैं इसको जिसको जानते हैं उसको इंग्लिश तो बोलेगा। ये तूफान अब तक का सबसे खतरनाक क्या बात है, ओहो, और इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए लगातार हमारा चैनल देखते रहे, धन्यवाद, हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे, पल पल की खबर आप तक पहुँचाते कांड करने वाला है, धन्यवाद। और अब तूफान पर चर्चा करने के लिए हमारे एक्सपर्ट आप दोबारा नहाकर आई। भाई ये क्या ओपी था यार कार्टून, मेरे को अभी तक वो लग रहा है कि भाई ये थोड़ा अश्लील भी था, इसके लिए बैन कर दिया था इसको। परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए? दो बच्चे होने चाहिए। ओके दो ये तक सही रहता है। ओके कितने हैं? हमको तो 10 बच्चा है। अपना अपना पसंद है लेकिन परिवार 10 बच्चे, बट उसको रियलाइज हुआ रहेगा अब दो ही ठीक है भाई, ज्यादा खर्चा हो रहा है 10 के पीछे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। ओ भाई क्या हिट हुआ ये, ओ तेरी क्या हिट हुआ ये डायलॉग भाई, मेरे को अभी एक पल में फ्लैशेस आ गए बचपन के। जैसी रॉकेट हमारी लंबी है, सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट, छोड़ेंगे नहीं, दे हो या नाइट। ये क्या हिट किया है भाई, आधा बचपन इसी में निकला पोकेमोन में। ब्रेकिंग न्यूज, आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में एक रहस्यमय खबर, अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ आ रही रहस्यमय सिग्नल, अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं रहस्यमय सिग्नल। क्या सिग्नल आ रहे है भाई? है जैसे एलियन दुनिया, दुनिया से हो गया है संपर्क। क्या बात है, हो जाएगा एलियन लोग भी छपरी निकले है भाई। इमेजिन हम सोच रहे एलियन जैसे होंगे, एलियन वैसे होंगे, कोई एलियन अगर भाई गोल्डन बाल लेके आया तो रोस्ट हो जाएगा इंडिया में तो। उत्तर प्रदेश में एक लड़का 2 दिन से अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर रुका हुआ था। ओके अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओके प्रोग्रेसिव सोसाइटी इतना तो चलता है। ये लड़का माइनर था, इसकी गर्लफ्रेंड शादीशुदा थी, या फिर शादीशुदा गर्लफ्रेंड के ससुराल में रुका हुआ था। ओके और उसका भाई बनकर रुका हुआ था। भाई बनकर रुका था, घर वालों को शक हुआ कि बहू रानी और साले साहब में तो गेम ऑफ थ्रोन चल रहा है, तो उन्होंने पूछताछ की और ये पकड़े।
ये खबरेश ने कैसे मिस कर दिया? खबरेश काम नहीं कर रहे क्या? मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? Voice taste in music is so bad. Yeah, it's weird. Master. तू बंदर, मस्त कलंदर, कदम कदम पर साथ निभाए। भाई ये मैं जिम में सुनूंगा। तू बंदर, मस्त कलंदर। अच्छा प्यास लगी है? ज्यादा हो गई भाई, ज्यादा लाइट हो गया उसका शराब। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। कौन सा मीम सबसे फनी लगा नीचे कमेंट से बताओ। एंड इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर देना @mahesh_shishwani। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, अभी 50% लोग सब्सक्राइब नहीं किए, बुरा लगता है। सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस।